सरकार ने विभिन्न ग्रेड के चावलों के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने स्थानीय मार्केट में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वहीं उत्पादन के मामले में ये चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दरअसल सरकार ने उसना चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% का निर्यात शुल्क लगा दिया है। चालू खरीफ सत्र में धान फसल का रकबा काफी घट गया है, ऐसे में घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। राजस्व विभाग ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि धान के रूप में चावल और ब्राउन राइस पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि उसना चावल और बासमती चावल को छोड़कर अन्य किस्मों के निर्यात पर 20% का सीमा शुल्क लगेगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि यह निर्यात शुल्क 9 सितंबर यानी आज से लागू हो जाएगा। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सत्र में अब तक धान का बुआई क्षेत्र 5.62% घटकर 383,99,000 हेक्टेयर हो गया है। देश के कुछ राज्यों में बारिश कम होने की वजह से भी धान का बुआई क्षेत्र घटा है। चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहीं पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे चावल उत्पादन वाले प्रमुख राज्यों में औसत से कम बारिश ने चावल की पैदावार को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि भारत सरकार इस साल पहले गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक और शुगर शिपमेंट्स को सीमित करने का फैसला ले चुकी है और अब चावल की कीमतें ज्यादा ना बढ़ जाएं, इसको लेकर सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। भारत का चावल के ग्लोबल ट्रेड में 40% की हिस्सेदारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2.12 करोड़ टन चावल का निर्यात किया, जिसमें से 39,04,000 टन बासमती चावल था। इसी अवधि में देश ने 6.11 अरब डॉलर मूल्य के गैर बासमती चावल का भी निर्यात किया है। भारत ने 2021-22 में दुनिया के 150 से अधिक देशों को गैर बासमती चावल का निर्यात किया है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ का कहना है कि निर्यात शुल्क लगाने के फैसले का स्वागत हम करते हैं और भारतीय चावल का निर्यात काफी कम मूल्य पर हो रहा था। निर्यात शुल्क से गैर बासमती चावल का निर्यात 20 से 30 लाख टन घटेगा, वहीं 20% निर्यात शुल्क की वजह से निर्यात से प्राप्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।